सभी दर्शकों को बाबा बड़गड़नाथ की राम राम। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे, यदि आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग रखते हैं, तो आज हम आपको शिवलिंग रखने के शास्त्रोक्त नियम बताएंगे, जिसका पालन आपको ही नहीं बल्कि समस्त जनों को करना चाहिए। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि वास्तव में हमारे घर में कितनी बड़ी शिवलिंग और किस आकार की होनी चाहिए जिसकी पूजा हम कर सकें, और कितनी बड़ी शिवलिंग हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तो आज हम इन सारी बातों को विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुँच सके। दर्शकों, शिवपुराण में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाही मुराद भी हमें दे देते हैं। कुछ लोग शिवलिंग को घर में भी रखते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग रखने के कुछ विशेष नियम हैं, शास्त्रोक्त नियम हैं, शास्त्रों द्वारा यह बताए गए हैं, जिनके बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर शिवलिंग से संबंधित इन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो इसे घर में रखने से आपकी परेशानी जरूर बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सबसे पहला, घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसका आकार आपके हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर में तरह तरह के क्लेश ही उत्पन्न होंगे और शिवलिंग की पूजा करने का वास्तव में कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। वहीं दूसरा, यदि घर में शिवलिंग रखा है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल ना करवाएं। घर में शिवलिंग रखने का नियम, जो शास्त्रोक्त नियम है, वह बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए ही लोगों को शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, लेकिन नियमित रूप से उनकी पूजा और अभिषेक जरूर करें। अभिषेक समय समय पर करें, लेकिन उनकी पूजा नियमित रूप से आपको करनी होगी। वहीं तीसरा, शिवपुराण में यह कहा गया है कि घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि अगर आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग रखे हुए हैं तो इसे फौरन हटा दें, क्योंकि ऐसा शास्त्रोक्त में नियम नहीं है। शास्त्रोक्त नियम के अनुसार घर में दो शिवलिंग रखने से क्लेश ही आता है और घर परिवार में तरह तरह की विपदाएँ बनी रहती हैं। बल्कि किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर इसे किसी मंदिर में पहुंचा दें या नदी में प्रवाहित कर दें, यदि एक से ज़्यादा शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तब। वहीं चौथा, शिवलिंग की साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक बर्तन में शुद्ध जल भरकर उसमें शिवलिंग रखें और इसका नियमित रूप से अभिषेक जरूर करें। वहीं पाँचवा, यदि घर में धातु का शिवलिंग है तो ये सिर्फ सोने चांदी या तांबे से बड़ा होना चाहिए, इस पर एक नाग भी लिपटा अवश्य रहना चाहिए। वहीं छठवा, नर्मदा नदी के पत्थर से बना शिवलिंग काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावा पारद शिवलिंग को घर में रखना भी बेहद शुभ माना गया है। वहीं सातवां, जिस जगह शिवलिंग रखा हो उसके आसपास शिवजी के परिवार का एक फोटो जरूर लगवाएं। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त नियम है। वहीं आठवां, शिवलिंग हो या शिव की कोई अन्य तस्वीर, हमेशा याद रखें कि शिवजी पर केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है, इनका पालन हर भक्त को अवश्य करना चाहिए। वहीं नौवां, घर में शिवलिंग को हमेशा पूजा के स्थान पर ही रखना चाहिए। किसी दंपति के बेडरूम में रखने की गलती कदापि कभी भी ना करें। साथ ही ये स्थान खुला होना चाहिए, उससे उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि शिवलिंग की ही एक ऐसी मूर्ति है जिससे 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। वहीं दसवां, माना जाता है कि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए, इससे ऊर्जा शांत होती है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक बार पुनः राम राम।